हेलो फ्रेंड्स, खाना पकाना भाई जेबी जुबैर में आप सबका इस्तकबाल है। जारे का आगाज हो रहा है और इस वक्त बाजार में गोभी खूब दिखने लगी है। गोभी की हम सब्जी तो बहुत बनाते हैं, आज गोभी को बनाएंगे मटन के साथ। गोभी आलू मटन मेरी मम्मी बहुत जायकेदार बनाती थी, बस उन्हीं की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। गोभी आलू मटन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक हांडी और उसमें डालेंगे एक कप सरसों का तेल। तेल को हमें गरम करना है, कच्चापन इसका हमें दूर करना है। आप अगर हांडी के बजाय कुकर में बनाना चाहें तो सेम तरीके से आप कुकर में बना सकते हैं। तेल गरम हो चुका है, अब तेल में डालेंगे आधा केजी गोभी। गोभी को मैंने एक एक फूल जो है उसका निकाल लिया है, काट लिया है। गोभी के टुकड़े को बहुत छोटा मत रखिएगा, थोड़े से बड़े टुकड़े लीजिएगा, काटिएगा थोड़े से बड़े फूल, क्योंकि अभी हमने इनको फ्राई किया है, फिर ये सालन में भी पकेंगी तो ये टूटकर बिखर सकती हैं। तो हमें गोभी का फूल जो है वो साबुत चाहिए, इसलिए थोड़ा सा बड़ा पीस लेंगे। बस गोभी को हमें तेज आंच पर हल्का सा गोल्डन करके बाहर निकाल लेना है। तो गोभी को बाहर निकाल लेंगे। और इसी तेल में डालेंगे 5 से 6 छोटे आलू। आलूओं को छील करके 2 टुकड़ों में काट लिया है। अगर आप बड़े आलू के पीस ले रहे हैं तो अपने अकॉर्डिंग आप आलू को कट कर लीजिएगा। आलू को भी गोल्डन करके हम बाहर निकाल लेंगे। अब इसी गरम तेल में डालेंगे कुछ साबुत गरम मसाले। तो सबसे पहले डालेंगे 2 छोटी लकड़ी दालचीनी की, 7 से 8 काली मिर्च, 5 से 6 लौंग, आधा छोटा चम्मच स्याह जीरा, या अगर आप शाही जीरा कहते हैं तो शाही जीरा, 3 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची। अब इन साबुत मसालों को 30 सेकेंड तेज आंच पर फ्राई करेंगे। और ऐड करेंगे 2 बड़ी प्याज बारीक लंबाई में कटी हुई। प्याज को हमें बहुत ज्यादा गोल्डन नहीं करना है, बस हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए, हल्की सी ये गोल्डन सी होने लगेगी, हमें उसी वक्त तक प्याज को फ्राई करना है। प्याज जल्दी से लाल हो जाए तो उसके लिए मैं 1 चुटकी नमक डाल रही हूँ। अब तेज आंच पर ही प्याज को लाल करेंगे। मैं इस वक्त आपको दिखा रही हूँ कि प्याज हमें कितनी जो है लाल करनी है। ये देखिए, ये सुर्ख नहीं हुई है और ना ही ये कच्ची है, तो बस हमें इतनी ही प्याज रखनी है। बस अब इस वक्त हम ऐड करेंगे 2 प्याज का पेस्ट, मीडियम साइज की प्याज ली है मैंने। साथ ही डालेंगे 2 बड़े चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, बाकी आप तीखापन जो है हसबे जायका रखिएगा, जितना आप पसंद करते हो। ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर। अब प्याज के साथ सारे मसालों को चलाकर मिक्स कर लेंगे कि नीचे से ये जले नहीं, क्योंकि गैस की आंच हमारी इस वक्त तेज है। आप धीमा करके काम करना चाहें तो गैस को इस वक्त स्लो कर सकते हैं। अब मसालों को मिलाने के बाद हम डाल देंगे 2 बारीक कटे हुए टमाटर, मीडियम साइज के टमाटर काटे हैं मैंने। तो टमाटर डालने के बाद भी चलाकर ढक्कन लगाकर तेल छूट जाने तक धीमी आंच पर हमें इसे पकाना है। बीच में 1-2 बार आप चला लीजिएगा तो तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाएंगे, मसाले को चला लेंगे। मसाला जो है अच्छे से भून चुका है और भूनने की खुशबू भी आने लगी है और आप देखिए किनारे से तेल भी नजर आने लगा है। बस अब डाल देंगे 750 ग्राम मटन और 1/2 टेबल स्पून नमक। गोश्त को मसाले के साथ भूनेंगे
गोश्त अपना पानी रिलीज करेगा, तो इस वक्त हम पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। जो गोश्त पानी रिलीज करेगा उसी में हमें मसाला भूनना है और उस पानी को सुखाना है। तो तकरीबन आपको गोश्त को अच्छे से भूनने में 5 से 6 मिनट लग जाएगा। अब 6 मिनट के बाद तकरीबन मैंने ढक्कन हटाया है, आप देखिए तेल नजर आ रहा है, गोश्त भुन चुका है। अब गोश्त को हमें गलाना है, तो एक बार चला करके हम डालेंगे 1.5 कप पानी। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो पानी कम रखिएगा, 1 कप पानी डालिएगा और कुकर का ढक्कन लगा करके आप गोश्त को गला लीजिएगा। पानी डालने के बाद ढक्कन लगाकर तकरीबन 20 मिनट हमें गोश्त को पकाना होगा। तो ये देखिए मैंने 20 मिनट के बाद ढक्कन हटाया है, बीच में मैंने 2-3 बार इसे चला लिया था, आप भी जो है गोश्त को चला लीजिएगा। अभी गोश्त में हल्की सी कसर बाकी है क्योंकि अभी हमें गोभी और आलू को भी गलाना है, जो हम गोश्त के साथ गलाएंगे, क्योंकि गोभी और आलू के अंदर गोश्त का जो मसाला है वो अच्छे से पहुंचाना है हमें। तो बस हम इस वक्त डाल देंगे तला हुआ आलू और तली हुई गोभी। और साथ ही डालेंगे 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और नमक टेस्ट कर लेंगे। अगर नमक आपको कम लग रहा है तो इस वक्त नमक आप मिला लीजिएगा, मुझे हल्का सा नमक कम लग रहा है तो मैं यहाँ पर 1/4 टीस्पून नमक और डाल रही हूँ। तो गरम मसाला पाउडर और नमक को डाल करके हम गोश्त में मिला लेंगे और डालेंगे 1 कप पानी। गोभी आलू मटन थोड़ा सा सालन वाला बनता है इसलिए यहाँ पर पानी डाल रही हूँ। पानी डालने के बाद डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया जब इस तरीके से पकता है गोश्त के साथ तो हरा धनिया का जो फ्लेवर है वो गोश्त के अंदर अच्छे से पहुंच जाता है, जज्ब हो जाता है। बस अब ढक्कन लगा लीजिएगा और ढक्कन लगाकर धीमी आंच पर 10 मिनट और हम गोश्त को पका लेंगे। गोभी और आलू पहले से फ्राइड है तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इनको गलने में, और गोश्त में बहुत हल्की सी कसर रह गई थी तो 10 मिनट में वो भी पूरी हो गई होगी, गोश्त भी गल गया है। और अगर आपको लग रहा है कि गोभी में हल्की सी कसर रह गई है या गोश्त अभी हल्का सा रह गया है तो धीमी आंच पर इसको 5 मिनट आप और पका लीजिएगा। 10 मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे, गोश्त और गोभी दोनों गल गए हैं और देखिए गोभी टूट कर बिखरी नहीं है, साबुत दिख रही है और रोगन भी आ गया है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 2-3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, गैस ऑफ कर देंगे और ढक्कन लगाकर तकरीबन 5 मिनट के बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो रोगन जो है वो बहुत अच्छे से ऊपर आ जाएगा, फौरन सर्व कीजिएगा तो रोगन गायब हो जाता है, नजर नहीं आता है, तो थोड़ी देर इसको छोड़िएगा रोगन आने के लिए। गोभी आलू मटन तैयार है, इसे रोटी और चावल के साथ सर्व कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए कि मेरी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।